तो बच्चों, आज हम कुछ ऐसा जानेंगे कि किस तरीके से जीवन में छोटी छोटी चीजें परिवर्तित करने से बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। ये एक कहानी के माध्यम से जानते। दो लकड़हारे थे, दोनों जंगल में जाते थे, दोनों दिन भर मेहनत करते थे, और हमेशा एक लकड़हारा ज्यादा लकड़ियां काट के लाता था और दूसरा कम। दूसरे के मन में हमेशा यही विचार रहता था कि मेरा साथी बिल्कुल मेरी क्षमता जितना है, उसकी क्षमताएं भी उतनी हैं जितनी मेरी हैं, उसकी लकड़ी काटने की रफ्तार भी उतनी है जितनी मेरी है। दोनों हम 8-8 घंटे तक लकड़ी काटते हैं, फिर भी मेरी हमेशा कम क्यों होती है, इसकी ज़्यादा क्यों होती है? दोनों समान जंगल में जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का पॉइंट है। एक दिन वो ये सोचते सोचते सोचने लगा कि आज मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा और सिर्फ अपने दोस्त को देखूंगा कि वो किस तरीके से अपनी लकड़ियों को ज्यादा करता है। तो सुबह का समय शुरू होता है, साथ में चलते हैं और वो जंगल में जाके छिप जाता है। जंगल में छिप के अपने दोस्त को देखता है तो देखता है कि सुबह से लेके दोपहर तक वो भी उसी रफ्तार से लकड़ियां काटता है जिस रफ्तार से पहला वाला लकड़हारा काटता था। वो सोचता है, यार इसने तो सिंपल साधारण तौर पे वैसे ही काटी जैसे मैं काटता हूँ। फिर वो थोड़ा और इंतज़ार करता है, मध्याह्न होता है, जलपान ग्रहण करने के लिए वो लकड़हारा जिसने लकड़ी काटी थी बैठ जाता है, अपना लंच लेता है, जलपान लेता है, और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो पहला लकड़हारा कभी नहीं करता। पहला लकड़हारा जो कभी नहीं करता ऐसा क्या करता है समझिए। जैसे ही जलपान करता है, थोड़ी देर 5-10 मिनट का आराम करता है, उसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी को लेके उसमें धार लगाना चालू कर देता है और पहला लकड़हारा खाना खाता है, आराम करता है और सो जाता है। तो अब जो दूसरा लकड़हारा था उसकी कुल्हाड़ी की धार उतनी ही तेज हो गई जितनी वो सवेरे लगा के आया था, इसलिए हर बार वो लकड़ियां ज्यादा काट के लेके जाता है और पहले लकड़हारा कम। तो हमें यहां से क्या समझने को मिलता है बच्चों? हमें यहाँ से समझने को मिलता है कि यदि हम अपने समय का सदुपयोग करें, हम अपने छोटे छोटे समय को इस्तेमाल करें अपने जीवन के ऊंचाइयों को ले जाने के लिए, जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए, तो हम भी इस 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर सकते हैं। तो बस सोचना ये है कि आप कहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किस जगह अपना समय दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। धन्यवाद।